टर्न ऑन नोटिफिकेशन बेल, डोंट मिस अपडेट। ये बहुत ही अहम सवाल है। समझो आपके पास 100 रुपए हैं, लाख रुपए हैं, करोड़ रुपए हैं, क्या आपके वो पैसे चोरी हो सकते हैं? क्या आप उन्हें संभाल के रखते हैं? जरूर, क्योंकि पैसे चोरी हो जाते हैं, पैसे गुम जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बिटकॉइन भी एक तरीके से डिजिटल पैसा है, इलेक्ट्रॉनिक पैसा है, तो वो भी चोरी हो सकता है और वो गुम भी हो सकता है। इसके लिए हमने बिटकॉइन को ठीक तरह संभाल कर रखना है। पहले जो साधारण तरीके हैं बिटकॉइन को समेट कर रखने के, वो आपको समझाता हूँ। जैसे आपके पास रुपए हैं तो आप इसका बैंक अकाउंट खोल सकते हो और उसमें डाल सकते हो। ठीक उसी तरह जहाँ से बिटकॉइन खरीदे जाते हैं, जहाँ उनका या उनकी लेन देन होती है, जो एक्सचेंजेस होते हैं, उनमें आपके वॉलेट अकाउंट्स बनते हैं और वहाँ पर आप पैसे रख सकते हो। मगर बिटकॉइन की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि हमें किसी पे भरोसा नहीं करना पड़ता। जब मैं बैंक में पैसे रखता हूँ तो एक प्रकार से मैं बैंक पे भरोसा कर रहा हूँ और हमारे बैंक्स काफ़ी भरोसेमंद है, ये मैं मानूंगा। मगर बिटकॉइन में जब भरोसे की ज़रूरत ही नहीं है तो किसी के पास अपना अकाउंट क्यों रखें? क्यों नहीं अपने पास ही रखें? अगर पैसा आप अपने पास रखना चाहते हैं तो 100 का नोट, 2000 का नोट, जो भी नोट हो, वो बहुत सारे नोट आप एक संदूक में बंद करके अपने अलमारी में डाल सकते हैं, मगर ये बहुत रिस्की होता है। इसके विपरीत यदि आप अपने बिटकॉइन आपके पास रखते हैं तो ये सबसे सेफ मेथड, सबसे सुरक्षित मेथड होता है। इसका जो सबसे कॉमन तरीका है जो हम रेकमेंड करते हैं वो होता है हार्डवेयर वॉलेट। आज मार्केट में काफ़ी अच्छे हार्डवेयर वॉलेट जैसे ट्रेजर, लेजर, लेजर नैनो ये अवेलेबल हैं और अन्य कंपनीज के भी हैं, और आगे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद इससे बेहतर भी हार्डवेयर वॉलेट्स आ गए हों। इन हार्डवेयर वॉलेट्स को यूज़ करना बहुत मुश्किल तो नहीं होता, मगर कुछ सीखना पड़ता है आपको कि कैसे अपने हार्डवेयर वॉलेट में आप पैसा डालें। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सन 2018 में, सबसे सुरक्षित माध्यम जो है अपने बिटकॉइन स्टोर करने का वो है हार्डवेयर वॉलेट। मगर अन्य माध्यम भी जो है, जिसे पेपर वॉलेट कहा जाता है, कभी कभी आप अपने हार्डवेयर डिवाइस पे यानी कि अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल फोन पर भी आप अपने बिटकॉइन स्टोर कर सकते हैं। और जब तक किसी के हाथ में वो आ ना जाए या जब तक आपका पासवर्ड ना पता चल जाए लोगों को, तो ये काफ़ी हद तक सुरक्षित होते हैं। मगर एक चीज़ समझनी ज़रूरी है, जैसे पैसे रखने का कोई 100% सुरक्षित तरीका नहीं है। आप बैंक में रखो तो ऐसा होगा नहीं, पर बैंक फेल भी हुए हैं इन द पास्ट। अगर आप नोट कहीं छुपा के रखो तो किसी को मिल सकते हैं। अगर आपने लॉकर में रख दिया तो कोई आपका लॉकर में घुस सकता है, या कल आप भूल सकते हैं कि मैंने लॉकर में रखा है। ठीक उसी तरह बिटकॉइन में भी ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, क्योंकि बिटकॉइन के नोट्स तो होते नहीं हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सीखें कि बिटकॉइन को कैसे सेव किया जाता है, हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है, पेपर वॉलेट क्या होता है, यदि आप बिटकॉइन के ऐप पे बिटकॉइन सेव कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या रिस्क होते हैं, उसे आप कैसे सिक्योर बनाएं। ये काफ़ी टेक्निकल इश्यूज हैं, इन सब पे भी हम बात करेंगे। देखते रहिए।